गया पिंडे प्रयाग मुंडे काशी ढूंढे। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है ये काशी, जिसके खोज में निकले यहाँ के वासी अब पंचक्रोशी यात्रा पर हैं। इनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें जिंदगी की जरूरतें दूर ले गईं, तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासतों की तलाश यहाँ वापस भी खींच लाई। कायदे से काशी भक्त की भूल भुलैया है, जिसकी गलियों से गुजरने वाली पंचक्रोशी यात्रा की महत्ता समझने और स्थानीय प्राचीन देव स्थानों के पूजन दर्शन और विधि विधान को करीब से देखने जानने की चाहत रखने वाले कुछ काशी पुत्रों ने इस यात्रा को करने का संकल्प लिया। यूं तो पंचक्रोश या 25 कोस यानी करीब 80 किलोमीटर की यह पौराणिक यात्रा पूरे 5 दिनों में होती है, लेकिन ठलुओं ने इस यात्रा का संकल्प 5 के बजाय 3 दिनों में ही पूरा करने का लिया। इसके लिए भीमचंडी, रामेश्वर और कपिलधारा में ही रात्रि विश्राम स्थल तय किए गए, जबकि आम यात्रा में कंदवा और शिवपुर का पांचों पंडवा में रात विश्राम भी शामिल किया जाता है। मशहूर मणिकर्णिका घाट से शुरू हुई इस यात्रा से पहले इसके हर पहलू पर न सिर्फ बारीकी से विचार हुआ, बल्कि इस बात को भी सुनिश्चित किया गया कि सब कुछ पहले से तय योजना के मुताबिक अंजाम दिया जाए। अगस्त महीने के आखिरी दिन शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा आशंकाएं वक्त के चुनाव को लेकर ही थी। कई लोगों ने भादो महीने की गर्मी और उमस की भयावह तस्वीरें खींची, लेकिन संकल्प की दृढ़ता उन तमाम चीजों पर न सिर्फ भारी रही बल्कि एक अच्छी शुरुआत के लिए लोगों का साथ भी मिला। यही वजह है कि यात्रियों की तादाद पहले पड़ाव चितईपुर से बढ़ने लगी और लोग आकर इससे जुड़ने लगे। यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए हर जगह नाश्ते भोजन समेत दूसरी बुनियादी चीजों की बेहतरीन व्यवस्था की गई, और खास बात यह रही कि सारे बंदोबस्त लोगों ने आपस में मिलजुल कर अपनी सुविधा अनुसार ही किए थे। चितईपुर के आगे का पहला अहम पड़ाव पौराणिक कर्मदेश्वर महादेव के दर्शन का रहा। एएसआई के मुताबिक ये मंदिर देश के कुछ सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। पंचक्रोश यात्रा में इसका क्रम 33वां है। साथ लगा ये बिंदु सरोवर है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति शिवजी के आंसुओं से हुई। मंदिर के आसपास की संरचनाओं पर लगे पत्थरों पर काली स्याही से रुद्राष्टकम और शिव तांडव स्त्रोत्र लिखे गए हैं, जिसकी वजह से इस जगह का नाम कंदवा पड़ा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में घंटियां लटकी हैं। यहाँ के शिवलिंग की स्थापना ऋषि कर्दम ने की थी, जिसके नाम पर ये कर्मदेश्वर कहे जाते हैं। पंचक्रोशी के यात्रियों ने यहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया। ओम नमो विद्या पवित्र वाचर्वा अवस्थान गरोबिवास
पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्ष कर्मदेश्वर से यात्रा आगे चली तो यात्रियों में इसके महात्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई। पौराणिक मान्यता भी रही है कि 25 कोस के इस घेरे वाले क्षेत्र में समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, लिहाजा पंचक्रोशी परिक्रमा में सभी ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं की प्रदक्षिणा का फल मिलता है। ये भी माना जाता है कि इसमें सभी चार पुरुषार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पंचक्रोश यात्रा सिर्फ पौराणिक ही नहीं बल्कि बेहद सुनियोजित भी रही है, जिसका प्रमाण इससे भी मिलता है कि यात्रा के दौरान मिलने वाले सारे देवालय मार्ग के दाहिनी तरफ मिलते हैं, जबकि सारी धर्मशालाएं बाईं ओर। इस पौराणिक आध्यात्मिक विचार मंथर से गुजरता ये कारवां अब अपनी पहली विश्राम स्थली भीमचंडी पहुंच गया। इसके लिए यहाँ की दशकों पुरानी धर्मशाला को न सिर्फ नए तरीके से सजाया गया था बल्कि आध्यात्म के साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासतों को सजोने की एक कोशिश भी दिखी। हर तरफ रोशनी से नहाई धर्मशाला के प्रांगण में बनारस की मशहूर गायिका ममता शर्मा ने जब भगवान शिव को मनाने के लिए कजरी की धुन छेड़ी तो यात्रियों की थकान हवा हो गई। संगीत की स्वर लहरियों में गोता लगाते निद्रा के आगोश में गए यात्रियों ने अगली सुबह भीमचंडी का दर्शन कर जलपान किया और फिर निकल पड़े अगले पड़ाव रामेश्वर के लिए। भीमचंडी से रामेश्वर के करीब 7 कोस के रास्ते में जगह जगह लोग स्नेह और अपनापन निभाते रहे। पंचक्रोश की यात्रा एक सांस्कृतिक उत्सव से कम नहीं, जो भी मिलता उत्साह से और स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रखता। दिन का भोजन भैरव तालाब पर हुआ, जो एक पौराणिक स्थल रहा है। यहाँ देखने को भले ही जीर्ण हो चुकी ये स्थली है पर सुनने को विलुप्त हो रही एक विलक्षण विधा मिली, जिसे बिरहा कहते हैं। इसमें किसी कहानी का गायन किया जाता है। पंचक्रोशी यात्रा के दौरान वरुणा तट पर बसे रामेश्वर की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। कहा यह भी जाता है कि रावण वध के बाद भगवान राम ब्रह्म हत्या के प्राश्चित्य के लिए अन्न जल का त्याग कर इसी रामेश्वर क्षेत्र में वरुणा तट पर शिवलिंग की स्थापना की और अपना व्रत शिव के लोटे में लिट्टी चोखा का भोग लगाकर तोड़ा था, जिसके सम्मान में यहाँ लगने वाले मेले को आज भी लोटा भंटा का मेला कहा जाता है।
इतना ही नहीं, रामेश्वर के पड़ाव पर लोगों का परिचय दंगली बिरहा से हुआ। गायन के इस अनूठे स्वरूप से पंचक्रोशी के तमाम यात्री पहली बार परिचित हुए। रामेश्वर में रुद्राभिषेक के बाद यात्रा अपने तीसरे चरण में बढ़ चली। शिवपुर पड़ाव पर पांडवों के स्थापित शिवलिंगों को पांचों पंडवा कहते हैं। यहाँ युधिष्ठिर से लेकर सहदेव तक की मूर्तियां हैं। दरअसल ये प्रसंग पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ा है। इस दौरान उन्होंने पंचक्रोशी की यात्रा की, जिसके बाद कुरुक्षेत्र में उन्हें विजय मिली। महाभारत के वन पर्व में काशी के एक मशहूर तीर्थ कपिलाहद का भी जिक्र मिलता है। संस्कृत की साझी विरासत में गंगा जमनी तहजीब भी झलकी। पांचों पंडवा से पहले पंचक्रोशी यात्रियों का मुस्लिमों ने खुले दिल से खैर मकदम किया। उस जगह किया जहां आज द्रौपदी कुंड है। जरूरत को देखते हुए पहले आम सहमत हुई, फिर इस जगह एक धर्मशाला बनाने का संकल्प लिया गया। यहां से यात्रा अपने अंतिम पड़ाव कपिलधारा के लिए बढ़ चली। जहां यात्रियों का स्वागत पारंपरिक व्यंजनों से हुआ। कपिलधारा गंगा के किनारे है, जहां से मणिकर्णिका घाट की दूरी करीब 3 कोस की होती है। उत्तरगामी गंगा के किनारे ये प्रदक्षिणा पुनः मणिकर्णिका पर आकर संपन्न होती है। कुल मिलाकर ये पता ही नहीं चला कि काशी को ढूंढने के लिए शुरू हुई ये यात्रा कब एक उत्सव में बदल गई और लगातार 3 दिनों तक ये माहौल बना रहा। कोई जरूरी नहीं कि अध्यात्म, इतिहास और संस्कृत के सारे अध्याय इस दौरान पूरी तरह समझ में आ जाए, पर उन्हें करीब से महसूस करने का मौका जरूर मिला। और जो कुछ महसूस किया उसे सिर्फ जेहन में नहीं रखा, बल्कि ठलुओं ने उसे कागज पर उतारा और बन गई पुस्तक साधो ये उत्सव का गांव। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि काशी में गंगा के किनारे पत्थर और पाषाण से बने अर्धचंद्राकार मुक्तासी मंच से नजर आने वाले बनारस के घाट से लगायर पंचक्रोशी यात्रा के सैकड़ों मंदिर देवालय हमसे और आपसे बात करते जो नजर आते हैं।